Good morning students. Today our topic is building paintings and books chapter number 11 from history class 6. तो कल हमने पढ़ा था buildings in bricks and stones. तो इसी को आज हम continue करते हैं. तो आपने पढ़ा था कि उनको मिट्टी की layer के ऊपर bricks baked bricks रखी जाती थी. तो फिर डॉम जैसा स्ट्रक्चर था, पत्थर से कवर स्टोन स्लैब्स बनाई जाती थी. स्टूपा के चारों ओर चक्कर लगाया जा सके, उसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे. उसके किनारे रेलिंग भी होती थी ताकि आसानी से चला जा सके. जो रास्ता होता था अंदर जाने गेटवे से होके गुजरता था. डिवोटी स्टूपा के इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे क्लोज क्लॉक वाइज डायरेक्शन में. रेलिंग और गेटवे जो होते थे वो डेकोरेटेड होते थे स्कल्पचर से. अमरावती में बहुत ही शानदार स्टूपा देखने को मिलते हैं. बहुत सारे 2000 साल पहले ये स्टोन से डेकोरेट हुए थे. कई बिल्डिंग्स पहाड़ों को खोदकर आर्टिफिशियल केव्स बनाई जाती थी, तो कुछ केव्स को खूबसूरती के साथ डेकोरेट भी किया गया है. कुछ पुराने हिंदू टेंपल्स को जो 2000 साल पहले बनाए गए थे, वो विष्णु शिवा और दुर्गा की वर्शिप की जाती थी इन गुफाओं में. जो टेंपल का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता था उसको गर्भगृह कहते थे, जहाँ पर डाइटीज की मूर्तियाँ रखी जाती थी. यहाँ पर पुजारी पूजा वगैरह करते थे. बिठार गांव जो कि एक गांव है उत्तर प्रदेश में, उस गर्भगृह के ऊपर इस एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसे शिखर कहते थे. ये सब प्लानिंग से बनाया जाता था, जहां पर टेंपल के अंदर लोग पूजा कर सकते थे. उसे मंडप कहा जाता था, जहां पर लोग इकट्ठा होकर वर्शिप करते थे. महाबलीपुरम और एयोल आपको साउथ में मिलेंगे. यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मंदिर देखने को मिलते हैं. आप पढ़ते हैं हाउ वेयर स्टूपाज एंड टेम्पल्स बिल्ड. स्टूपा या टेम्पल्स बनाने के काफ़ी सारे प्रोसेस होते थे. जो किंग या क्वीन होते थे वो बहुत ही पैसा टेम्पल्स पर बनाने के लिए लगाते थे, क्योंकि ये टेम्पल उनकी शान होते थे. जितना राजा पावरफुल होता था उतने ही बड़े मंदिर वो बनवाते थे. सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का पत्थर मंगवाया जाता था. उसके बाद जगह को ढूंढा जाता था जो बहुत ही बड़ी होती थी, ताकि वहाँ पर बिल्डिंग या मंदिर बनवाया जा सके. फिर पत्थर को उस जगह पर लाया जाता था. फिर पत्थरों की कार्विंग करके पत्थरों की शेप दी जाती थी, जिसमें पिलर बनाए जाते थे, पैनल्स बनाए जाते थे, दीवार के लिए फ्लोर एंड सीलिंग्स यानी फर्श और छत बनाई जाती थी. बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम किया जाता था. किंग एंड क्वीन क्राफ्ट पर्सन को पे करते थे शानदार स्ट्रक्चर बनाने के लिए. जो भगत होते थे वो भी इनकी मदद करते थे. जो गिफ्ट लाते थे मनी के तौर पर या कोई भी चीज़ जो बिल्डिंग को डेकोरेट करने में हेल्प करती थी, जैसे ग्रुप ऑफ वर्कर्स दान करते थे, जैसे मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, स्मिथ और मैन एंड वुमेंस, ये अपना नाम पिलर्स पर लिखवाया करते थे, रेलिंग में लिखवाते थे, दीवारों पर लिखवाते थे. जब भी आप इन बिल्डिंग्स को देखेंगे तो इनके एक कैसे इनको स्ट्रक्चर किया गया है, डेकोरेट किया गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.